कैसे है बच्चा पार्टी, आई होप ऑल आर फिट एंड फाइन। आई एम योर मेंटर प्रियावस्थी एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना टू डिस्कस विद यू अ न्यू टॉपिक। बेटा एक न्यू टॉपिक है आपका, दैट इज मॉक ड्रिल इन माई स्कूल। ये क्लास 8 का ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर में आपका पैसेज आ रहा है और बच्चों के कहने पे मैं आपके साथ ये जो पैसेज है वो डिस्कस करने वाली हूँ। मेरे पास बच्चों का कमेंट आया था, मैम ये जो हमारा पैराग्राफ है वो आपके हमारे एग्जाम्स में आने वाला है, तो इस वीडियो में हम बेटा वन बाय वन लाइन इस पूरे पैराग्राफ को समझेंगे, ठीक है, ताकि आपको इजी रहे, आप एग्जाम में इसको प्रिपेयर करके अच्छे से जा सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा क्या बोल रहे हैं, एक मॉक ड्रिल होती है। मॉक ड्रिल का मतलब क्या होता है, ऐसे मान लीजिए आपके पास में कोई नेचुरल डिजास्टर जो होता है, सपोज मान लीजिए कोई सुनामी, बाढ़, अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक मतलब जिससे भूकंप आता है, तो भूकंप आता है तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है अपने आप को, किस तरह से आप रेडी रहेंगे उस सिचुएशन के लिए, किस तरह से अपने आप को आपको प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए कुछ मॉक ड्रिल कराई जाती हैं स्कूल्स में, स्कूल में प्रिपेयर कराया जाता है बच्चों को ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए। तो उन्हें बोलते हैं हम मॉक ड्रिल, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, मॉक ड्रिल बोलते हैं। तो आम मॉक ड्रिल कंडक्टेड विद इन द प्रमाइसिस ऑफ माय स्कूल, बेटा तो एक मॉक ड्रिल जो है वो कंडक्ट करवाई जा रही है कहाँ पर बेटा, प्रमाइसिस में, प्रमाइसिस ऑफ माय स्कूल was an insightful and important exercise aimed at ensuring the preparedness and safety of students. Insightful का मतलब क्या होता है बेटा, insightful का मीनिंग होता है deep understand, मतलब इस mock drill के माध्यम से, इस mock drill के को समझने के बाद जो है बच्चों के अंदर क्या आएगी, डीप अंडरस्टैंडिंग आएगी। क्या डीप अंडरस्टैंडिंग आएगी बेटा, वो समझ पाएंगे ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसका मेन जो मॉक ड्रिल है बेटा वो क्या है आपके लिए, एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसका जो मेन एम है, इसका जो मेन एम है वो क्या है, इंश्योर करना, बच्चों को इंश्योर करना, एंड इंश्योरेंस इंश्योरिंग द प्रिपेयरनेस एंड सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्टाफ इन वेरियस इमरजेंसी सिचुएशन। किसके किस लिए बेटा प्रिपेयर कर रहे हैं, हम बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट, मतलब बच्चों की सेफ्टी के लिए और स्टाफ की सेफ्टी के लिए, अगर कोई भी वेरियस इमरजेंसी सिचुएशन अगर आती है तो हम उसके लिए बच्चों को प्रिपेयर कर पाएं, ठीक है, वेरियस इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, नेक्स्ट बोला रहा है द ड्रिल कमेंस्ड विद एन अनएक्सपेक्टेड अलार्म, ठीक है, जो ड्रिल स्टार्ट होगी वो कैसे होगी बेटा, एक अनएक्सपेक्टेड अलार्म होगा। अनएक्सपेक्टेड का मतलब जिसमें हमें, जिसके बारे में हमें पहले से पता ना हो, एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड अलार्म जो है बजेगा। कमेंटेड विद एन अनएक्सपेक्टेड अलार्म इंस्टेंटली अलर्टिंग एवरीवन टू स्टिमुलेट इमरजेंसी सिनेरियो, ठीक है, तो मतलब कैसे आपको उस इमरजेंसी सिनेरियो में कैसे बच्चों को करना है, अपने आप को कैसे कैसे उनको शो करना है, कैसे दिखाना है कि मतलब कैसे वो उस सिचुएशन को टैकल कर पाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए स्टिमुलेट करना है बच्चों को, एनकरेज करना है, ठीक है, क्लियर हुई बात यहाँ तक। द एंटायर स्कूल स्विफ्टली ट्रांजिशन इंटू एक्शन फॉलोइंग प्रीडिफाइंड प्रोटोकॉल्स मेटिकुलसली, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बेटा, जो पूरा का पूरा जो स्कूल है वो एक्शन में आ जाएगा कैसे, जब अलार्म बजेगा तो पूरा का स्कूल जो है वो किस तरह से वर्क करेगा उस मॉक ड्रिल के ऊपर, तो पूरा स्कूल जो है वो एक्शन में आ जाएगा बेटा। जो भी प्रीडिफाइंड प्रोटोकॉल्स बताए गए होंगे क्लासेस में कि आपको जब अलार्म बजेगा तो आपको कहाँ पे बेंच के नीचे बैठना है, लाइक अपने सिर पे बैग के बैठना है, या फिर कैसे आपको कॉरिडोर से बाहर निकलना है, तो जो भी सिचुएशन आपके टीचर ने आपको पहले से प्रोटोकॉल्स बताएंगे उनको आपको फॉलो करना होगा। मेटिकुलसली का मतलब होता है विद केयरफुली, वेरी केयरफुली विद ग्रेट अटेंशन के साथ में, मतलब बहुत ही केयरफुली उन सारे प्रोटोकॉल्स को जो आपके टीचर्स ने बताया होगा आपको, उन्हें आपको फॉलो करना है, क्लियर हुई बात है। टीचर गाइडेड स्टूडेंट्स टू प्रीडिफाइंड असेंबली पॉइंट्स, जो टीचर हैं बेटा वो बच्चों को क्या करेंगे, गाइड करेंगे। द स्टूडेंट टीचर गाइडेड स्टूडेंट टू प्रीडिटरमाइंड असेंबली पॉइंट्स इम्फेसिंग ऑर्डरली इवैक्यूएशंस, ठीक है, और इम्फेसिस का मतलब किसी चीज़ पर प्रेशर बनाना, दबाव डालना, किसके ऊपर बेटा प्रेशर बनाना, इवैक्यूएशन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए जो मॉक ड्रिल है वो हम क्यों कंडक्ट करवा रहे हैं, ताकि कोई जो सर्टेन सिचुएशन हो, लाइक आपके पास में जो आपके पास अर्थक्वेक वगैरह आ रहा है, कुछ नेचुरल डिजास्टर आ रहा है, तो उस डेंजर सिचुएशन से कैसे लोगों को बाहर निकालें, कैसे उन्हें इवैक्यूएट करें, तो उसके लिए जो टीचर्स हैं बेटा वो उन्हें बच्चों को गाइड करेंगे। दिस एक्सरसाइज नॉट ओनली शोकेस द एफिशिएंसी ऑफ द स्कूल इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान, मतलब ये जो एक्सरसाइज है बेटा सिर्फ ये शोकेस करने का मतलब नहीं है इसका कि सिर्फ कैसे वो इमरजेंसी मतलब जो भी इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान, मतलब जो भी प्लान बनाया गया उसको कैसे मतलब उस सिचुएशन में कैसे बच्चे एफिशिएंट हैं, बच्चे कितने एफिशिएंट हैं, ये शोकेस करना नहीं है इसका। इसका मतलब क्या है बेटा,
इस एक्सरसाइज का मतलब जो है वो ये शोकेस करना नहीं है कि बच्चे कितने एफिशिएंट हैं, इसको चेक करना नहीं है कि सिर्फ कैसे वो सर्टेन सिचुएशन में कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, वो शो करना नहीं है, बट ऑल्सो अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू प्रैक्टिसिंग रिमेन काम अंडर प्रेशर. बल्कि बच्चों को ये सिखाना है बेटा कि कैसे वो अंडर प्रेशर में आने के बाद भी अपने आप को काम रखते हैं. ठीक है, अंडर प्रेशर में आने के बाद भी अपने आप को काम रखते हैं, क्योंकि आपको पता है जब ये सिचुएशन क्रिएट होती है, अर्थक्वेक वगैरह आता है या कोई भी नेचुरल डिजास्टर क्रिएट होता है, तो जो लोग हैं, पीपल्स जो हैं या बच्चे जो हैं बेटा, वो बहुत ही अंडर प्रेशर में आ जाते हैं. तो उस अंडर प्रेशर में आने के बाद भी अपने आप को कैसे ओपन माइंड करके कैसे आपको उस सिचुएशन को टैकल करना है, तो ये चीज़ इसमें सिखाई गई है. क्लियर हुई बात यहाँ तक? ऑब्जर्विंग हाउ सीमलेसली द स्कूल कम्युनिटी कोऑर्डिनेट ड्यूरिंग द मॉक ड्रिल अंडरस्कोर द सिग्निफिकेंस ऑफ बीइंग वेल प्रिपेयर्ड फॉर एनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन. तो हमें ये चीजें बच्चों को सिखानी है बेटा कि जो उन्होंने सिचुएशन आज तक देखी नहीं है, जो ऐसे सिचुएशन बेटा जिनको उन्होंने आज तक नहीं देखा है, ऐसे सिचुएशन से भी उनको समझाना कि इस सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करेंगे. क्लियर हुई बात यहाँ तक? सच ड्रिल्स सर्व एज अ वैल्यूएबल रिमाइंडर ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी प्रोसीजर. तो जो ऐसे ड्रिल्स हैं बेटा वो हमारे माइंड में एक वैल्यूएबल रिमाइंडर क्रिएट कर देती है कि हाँ, हमने ये ड्रिल पहले कर ली है, पहले भी हमें काम कर चुके हैं, हमने स्कूल में इस चीज़ को सीखा था कि हमें इस सिचुएशन में क्या क्या कैसे कैसे रिस्पॉन्ड करना है. तो ये वाली बात भी जो ड्रिल है वो आपको सिखा देगी. क्लियर हुई बात यहाँ तक? सेफ्टी प्रोसीजर एंड इंस्टिल अ सेंस ऑफ रेडीनेस अमंग स्टूडेंट्स एंड स्टाफ अलाइक. ठीक है, इंस्टिल का मतलब होता है बेटा किसी को कोई चीज़ लर्न करवाना कि हाँ भाई, अगर आपके पास ये सिचुएशन क्रिएट होती है तो आप इसके ऊपर कैसे वर्क करेंगे, कैसे इस सिचुएशन से ओवरकम होंगे. तो इंस्टिल का मीनिंग ये होता है आपके पास में ए सेंस ऑफ रेडीनेस. रेडीनेस का मतलब अपने माइंड को पहले से प्रिपेयर करके रखना कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना है. किसके बीच में सेंस ऑफ रेडीनेस किसके बीच में लाने की बात की जा रही है बेटा? स्टूडेंट एंड स्टाफ के बीच में. स्टाफ मतलब टीचर्स के बीच में. ठीक है, आई होप आप सभी को ये जो मेरा पैराग्राफ है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. एंड अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए वीडियो को, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को. अगर आपको और भी कोई डाउट है आपके एग्जाम से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मैंशन करिए, मैं आपके साथ आपके टॉपिक को जरूर से जरूर क्लियर करूंगी. थैंक यू.